अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट अक्सर तारिक। आप देख रहे हैं गुजरांवाला इंफोटेनमेंट मीडिया। हमारे सेगमेंट का नाम आज के मुनफरिद मेहमान, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं गुजरांवाला की एक मल्टी टैलेंटेड शख्सियत, जो कि एक मौलमा के साथ साथ शायरा भी हैं, प्रोफेसर नायला भट्ट। थैंक यू सो मच मैम, मोस्ट वेलकम कि आपने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। मैम, आज हम आपसे आपके शेर व शायरी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका तख्लीकी सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ और दरसो तदरीस से आप शायरी की तरफ कैसे रुजू किया आपने? अगर तख्लीकी सफ़र की आप बात करें तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ शायद कि मेरा थीसिस जो था, वैसे तो अदबी माहौल घर से मिला हुआ था, लेकिन मेरा थीसिस जो था वो मुमताज़ मुफ्ती साहब पर था। तो मुमताज़ मुफ्ती पर काम करते करते शेर व अदब के साथ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। फिर असातिज़ा इकराम जो ओरिएंटल कॉलेज में मिले, जो दोस्त अहबाब ओरिएंटल कॉलेज में मिले, आज माशाल्लाह सब बहुत नुमायाँ शेर व अदब में अपने नाम जो हैं वो कमा चुके हैं या रखते हैं शेर व अदब में अपना नाम। तो मैं उस हिसाब से तो मैं उनसे बहुत पीछे हूँ, लेकिन ये है कि पहला तो मेरा यही था, सबसे बड़ा काम जो समझा जाता है कि मुमताज़ मुफ्ती साहब पर मैं जो मेरी तसनीफ़ है वो सबसे गई बेहतर। फिर उसके बाद जैसा आप पूछ रहे हैं कि मैं शायरी की तरफ कैसे आई, तो लेक्चरशिप में जब हम मुशायरे वगैरह अरेंज करवाते हैं तो मुशायरे की एक रवायत रही है कि जो मेज़बान है, जो कॉलेज जो अरेंज कर रहा है, उसको भी जो है वो सबसे पहले अपना कलाम जो है वो पेश करना होता है। तो सच पूछें तो आगाज़ उसी चीज़ से हुआ। मैंने नारोवाल कॉलेज में पंजाबी मुशायरे जो थे उसको स्टार्ट किया, उर्दू मुशायरा तो वहाँ बहुत अरसे से हो रहा था। तो वहीं पर जब मैंने मेज़बानी के फ़राइज़ संभाले तो मुझे पंजाबी में भी फ़र्स्ट टाइम मैंने नज़म वहीं पर लिखी और पढ़ी, और उर्दू गज़ल भी सबसे पहले वहीं पर लिखी और पढ़ी। ठीक है मैम। मैम, आपके चूँकि आप एक शायर आए, तो आपके अपने हम असर शायरों से आप किससे ज़्यादा मुतासर हुई हैं, या क्लासिकल शोरा में आप किसको ज़्यादा पसंद करती हैं? क्लासिकल शोरा में तो हमने सबको ही जो है वो पढ़ा, और बहुत ज़्यादा जो है वो 20वीं सदी के जो अदब है उससे भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। ज़्यादातर जो है वो, मैं सच बात अगर कहूँ तो मैं नसर या फिक्शन जिसको आप कहते हैं, मैं उसकी तरफ मेरा रुझान बहुत ज़्यादा था। तो मुझे जो बेसिकली राइटर्स पसंद हैं, आप कह लीजिए मुमताज़ मुफ्ती साहब थे, इशफाक साहब थे, अब्दुल्ला हुसैन मुझे बहुत पसंद है, मुस्तनसर हुसैन ताड़र बहुत पसंद है, और बलवंत सिंह। या ये मैं आपको बता दूं कि ये नहीं है कि अब हर कोई कह देता है जी मुझे इशफाक साहब बहुत पसंद है, मुझे बानो साहिबा बहुत पसंद है, नहीं। वाकईतन अगर आप ये पूछें तो शायद मेरा शायरी में उतना मुताला नहीं होगा जितना कि मैंने जो है वो नसर में, मैं फ़ख्रिया कह सकती हूँ कि मैंने पढ़ रखा है, यानी मज़ाहिया भी उतना ही पढ़ रखा है, यानी शफीक रहमान से लेकर अशफाक अहमद, जेंटलमैन अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, मुश्ताक यूसुफी साहब और कर्नल शफीक रहमान, मतलब ग्रेजुअली सबको पढ़ा। इसी तरह राजेंद्र सिंह बेदी, बलवंत सिंह, कृष्ण चंद्र और जमीला हाशमी जो हैं सबको पढ़ा। तो शायरी में ये था कि मुझे वैसे पहले सलीम कौसर, सलीम अहमद और जो मशहूर शोरा हैं वो तो हैं ही हैं, परवीन शाकर किसको ना पसंद होंगी, जवानी में इब्ने इंशा, वो एक दौर होता है यूथ का जिसमें वही बात, जी चांद किसी का हो नहीं सकता, चांद किसी का होता है, चांद की खातिर ज़िद नहीं करते हैं मेरे अच्छे इंशा चांद। तो वो साहिर लुधियानवी, ज़ाहिर है वो एक टीन एज के जो शोरा थे वो थे। फिर जैसे समझ आती चली गई, फिर फैज़ साहब भी अच्छे लगे, फराज़ साहब भी अच्छे लगे, तो मौजूदा दौर में आकर मज़ाहिया शायरी भी अच्छी लगती है और बहुत अच्छे। आजकल मुझे अमार की शायरी बहुत पसंद है, और भी बहुत सारे लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा लिख रहे हैं। ठीक है मैम। ठीक है मैम, जैसा कि अब हमने सुन रखा है कि आपकी दो तसनीफ़ तकमील के मराहिल में है, तो उनके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। जी पहले तो ये है कि मैं काफ़ी इस मामले में, मुझे बहुत मैं लेकिन ये मेरे लिए मुझे कहना चाहिए कि मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है, और मेरे लिए फ़ख्र की बात भी है कि मुझे बहुत से लोग मोटिवेट करने वाले हैं कि आप क्यों नहीं लेकर आ रहे हो, क्यों नहीं, तो मैं थोड़ी सी उस मामले में लापरवाह रही। तो अब उर्दू में खाकों की किताब है जिसमें मैंने जो है
वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को ही ज़्यादा लिखे हैं, उनमें कुछ छप छप भी चुके हैं, और शायरी की पंजाबी की जो है वो बुक जो है इंशाल्लाह जल्द अज़ जी जल्द मैडम। आप अच्छा देखेंगे। मैम, गुजरांवाला में अक्सर सकाफती अदबी प्रोग्राम्स में ख़वातीन की शिरकत का फुकदान देखा जाता है, जी इसके बिल्कुल, क्या वजूहात हैं मैडम? आप क्या बताना चाहेंगी इसके बारे मेरे में? ख्याल में तो हमारा जो सोशल सर्कल है या जो हमारा एक कल्चर डेवलप हो चुका है वो वही सबसे ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है या होता है। और मैं चूँकि गुजरांवाला से बिलोंग नहीं करती, लेकिन मुझे अब काफ़ी अर्सा हो गया गुजरांवाला में रहते हुए, जी तो मैंने इसके माहौल को देखा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरवर्डनेस नहीं है जी मैम, यहाँ पर। लेकिन दूसरे लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा अच्छा माशरा, ये बड़ा अच्छा माहौल है, यानी इत्तेदाल है। आपको बहुत ज़्यादा फॉरवर्डनेस में भी नज़र आती है, लेकिन उतनी ही आपको मजहबी रुझानात रखने वाले लोग भी नज़र आते हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि बच्चियाँ पढ़ी लिखी नहीं हैं या ख़वातीन पढ़ी लिखी नहीं जी हैं, बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन शायद एक जो दरमियान में हमारा एक फ़ेज़ आया कि जिसकी वजह से हमारी कल्चरल सरगर्मियाँ जो हैं वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड आप कह लें या थोड़ी ख़त्म हो गई, जी तो शायद एक वो बहुत बड़ी वजह है कि ख़वातीन जो हैं वो बाहर नहीं निकल पाईं या अभी नहीं आती हैं। ठीक मैम। अब उन्हीं खवातीन का रुझान पैदा करने के लिए अगर मैं आपको कहूँ कि आप खवातीन के हवाले से कोई नज़म हमें सुनाना चाहें। जी मैं मेरी ज़्यादा जो है शायरी एक मज़ाहिया शायरी, वो जी ज़ाहिर मैं कॉलेजेस में जाती हूँ तो मुशायरों में तो ज़्यादातर बच्चों के बच्चे होते हैं, तो वो मज़ाहिया शायरी पे खुश होते हैं। जी लेकिन दूसरी तरफ जो मैं ख़ुद समझती हूँ, क्योंकि मैंने तनकीद भी बहुत अरसे तक पढ़ाई है, तो मैं ये समझती हूँ कि जो मेरी संजीदा शायरी है वो जी ज़्यादातर ख़वातीन के मुतल्लिक है, जी ख़वातीन की प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज़। तो उसी सिलसिले में मेरी एक नज़म जो है पंजाबी की, जी उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने सराहा, ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से उसे जी बड़ा मैम, पसंद किया गया, तो मैं वही आपको सुना जी मैम, देती हूँ। ज़रूर। थैंक यू। नज़म का उनवान है जी, असी की हो जाई मखलूक वे रब्बा, कि हो जाई मखलूक, सानू कहंदे जीवन जोगियां पर जमदे मर गए लेख, सानू कहंदे जीवन जोगियां पर जमदे मर गए लेख, एवें हसदियां वेख ना मालका साड़ी रूह दे फट वी वेख, असी पीते हासे कोट के, असी पीते हासे कोट के, असी खादे कुट कुट दुख, असी चंद सितारे जमदियां साड़ी फेर भी सुंजी कुख, असी जीप ते चीतां सीकतियां, असी जीप ते चीकां सीतियां साढ़े वेड़े खा गई कूक, असी किहो जई मखलूक वे रब्बा, किहो जई मखलूक, साड़ी कन्नी चुमके रोक दे, साड़े कन्नी चुमके रोक दे, साड़े नक पीड़ा दी नथ, साड़े पैरी छाले चीक दे, साड़े अजलों जोड़े हथ, जदों मलिया सक उदासियां, जदों मलिया सक उदासियां, साढ़े नीले हो गए बुल, साढ़े उत्ते की बीतियां, तेनू रब्बा केड़ी पुल, असां करदे चानण वास्ते सा अपने दित्ते फूक, असी किहो जई मखलूक वे रब्बा, किहो जई मखलूक, साढ़े मन विच काबा प्यार दा, साढ़े मन विच काबा प्यार दा, साड़ी अखां विच मसीत, साढ़े मन विच काबा प्यार दा, साड़ी अखां विच मसीत, असी रिश्तियां उत्तों वारियां, साड़ी अजलों एहो रीत, सानू कहंदे लोक नमाणियां, सानू कहंदे लोक नमाणियां, साड़ी कोई ना होर पछाण, असां अपने आप नू मारिया साड़े अंदर कब्रस्तान, हर पासे गम दियां बारिशां विच कल्ली जिंद मलूक, असी किहो जई मखलूक वे रब्बा, किहो जई मखलूक। आखरी बंद है जी, इंज सुटिया वेले छाण के, इंज सुटिया वेले छाण के, जिवें आटे विचों छाण, असी किस नू अपना जानिए, असी किस ते करिए माण, साढ़े हथ वेले दी वाग सी, साढ़े हथ वेले दी वाग सी, तू कोल हुंदा सी जद, तेरे बाजों वेख लै बाबुला, साडा हुण नहीं बचिया अद, किवें दुख विछड़न दा मारदा, कदी सुन चरखे दी कूक,
असी की हो जाई मखलूक वे रब्बा की हो जाई मखलूक। माशाल्लाह मैडम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये थी आज की हमारी मुनफरिद मेहमान प्रोफेसर नायला भट्ट। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए गुजरांवाला इंफोटेनमेंट मीडिया। अल्लाह हाफिज़।